पवित्र पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित करणी घाट पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दौरान आज जगतगुरु श्री श्री जी महाराज श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ। इस दौरान उपस्थित भक्तों को उपदेश देते हुए महाराज श्री ने कहा कि आज की जो कथा है अजामिल की कथा है, अजामिल की कथा से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के साथ केवल उस भगवान का नारायण का नाम ही साथ जाता है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इसलिए तीर्थों में कथा सुनने का महत्व कोटि गुना बढ़ जाता है। मनुष्य को यदा कदा प्रतिदिन भगवान श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। कथावाचक पवन जी शास्त्री का उन्होंने प्रशंसा की और बताया कि पवन जी शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही सुंदर तरीके से वाचन करते हैं और मैं भी यहीं रुककर समीप ही परशुराम द्वारे में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ ले रहा हूं। दिनेश पाराशर पुष्कर। तो वो जीवन का सबसे उत्तम समय होता है और वहीं पर बैठकर यदि हमारे जीवन का उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाए तो जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाता है। अभी शास्त्री जी के मुखारविंद से सुंदर दिव्य, वैसे समीप में ही अपना परशुराम द्वारा है तो कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है हमको अनायास ही बिना प्रयास किए, तो उसके लिए प्रथम तो धन्यवाद हमारे सौभाग्यमल जी को जो आपने मंदिर के निकट ही कथा आयोजन करी। हाँ, तो कथा सुनने के लिए आए हुए हम यहाँ पे हैं। तो इसकी कथा जिसमें अजामिल प्रसंग आप बड़े ही सुंदर भाव से श्रवण कर रहे थे, तो अजामिल के जीवन से आप हम सभी क्या सीखते हैं ये तो सभी को पता है कि अंत तो गत्वा इस जीव के साथ कुछ जाता है तो वो क्या है, उसका भजन जाता है, उसका कीर्तन जाता है। धर्मानुनो गच्छति जीव एक, नहीं तो सब वस्तुएं यहीं व्यर्थ रह जाती हैं। यही इस अजामिल के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है। यूं तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है, उस शब्द में समस्त शास्त्रों का अर्थ निहित है, परंतु सभी प्रसंग, आज का अजामिल प्रसंग तो भगवान के नाम को लेकर है कि भगवान का नाम कितना पवित्र और कितना सामर्थ्यवान है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भक्त धर्मात्मा तो लेते ही हैं, यदि कोई अनाचारी पापाचारी भी इस नाम का आश्रय ले ले, उच्चारण कर ले, अनायास ही उसके मुख से निकल जाए तो भी भगवान का नाम कल्याणकारी होता है।